दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका जायजा भारत समाचार की टीम ने काशीराम अस्पताल जाकर लिया, जहां पर तीमारदारों का कहना है कि यहां पर पूरी तरह से लापरवाही की जा रही है, मरीजों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा और ना ही उनका कोई हालचाल दिया जा रहा है। कानपुर में प्रशासन के लाख दावे हैं कि यहां पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसका जायजा लेने के लिए भारत समाचार की टीम जो है, देखिए हम आपको दिखा सकते हैं कि ये कानपुर का जो है काशीराम हॉस्पिटल है, यहां पर आए हुए हैं। यहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से यहां पर व्यवस्थाएँ करी गई हैं, किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या यहाँ ऑक्सीजन या इंजेक्शन की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से करी गई है। सास एडमिट थी यहाँ पर, जो आज एक्सपायर कर गई सुबह, और कैसे का मतलब है अंदर जो भी रही हो, कोई अंदर की खबर बाहर नहीं आती है। पहली बात तो सिर्फ एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि जो है ऐसी हालत क्रिटिकल है और फ़ोन काट दिया जाता है, दोबारा उस नंबर पर संपर्क करो तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है या नहीं उठता है, ठीक है। और कल रात में उनका खुद कॉल आया उनके फ़ोन से, जो फ़ोन पहुँचाया गया था कि खाने को नहीं है यहाँ पर, खाना हमारे लिए भिजवाओ, तो उनके लिए खाना भिजवाया गया, वो खाना भी उनको मिला कि नहीं मिला ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और आप सुबह आज 8 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, कल रात की जानकारी मिली क्रिटिकल पोजीशन, सुबह 8 से अभी तक बॉडी का पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब तक मिलेगी। हमारे जैसे बहुत हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे से मेरी मम्मी आईसीयू में एडमिट कर रखी है, वो तड़प रही हैं। आप लोग ना तुरंत आप लोग आईसीयू में एक बार चेक कर लें क्या हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ। कोई ऑक्सीजन नहीं, वो तड़प रही, फोन कह रही बस मुझे यहाँ से एक आधे घंटे में नहीं निकालूँ मैं भी मर जाऊँगी। और सुबह से उनके साथ के 12 पेशेंट मर गए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई डॉक्टर सुनने वाला ही नहीं है, ना अंदर जाने दे रहे, कोई वहाँ गए, हाँ वहाँ गए, वहाँ पे हॉल में एक सर बैठे हैं, हमने कहा सर कैसे वहाँ पे एक वार्ड बॉय भेज दीजिए, कह रहे मेरा काम है केवल डेड बॉडी से परिजन को बताना, मैं नहीं भेज पाऊंगा, आप लोग जाइए यहाँ। ये काशीराम का नजारा है, जहाँ पर जो तीमारदार बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के परिजनों की मौत भी हो चुकी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस हिसाब से यहाँ पर खाने की व्यवस्थाएं करी गई थी, तो परिजनों ने खुद खाना यहाँ पर भेजा था और पता नहीं इनको खाना वहाँ पर दिया गया कि नहीं दिया गया, आखिरकार इनके जो है परिजनों की मौत हो गई है। अब यहाँ पर इस तरह के हालात हैं, इनके यहाँ पर तीमारदारों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के ना डॉक्टर कोई सुविधाजनक जवाब देते हैं और ना यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ना ही किसी यहाँ पर डॉक्टरों का फोन उठता है, तो जो यहाँ पर हालात हैं वो बस से बदतर बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी दावे कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कैमरामैन कम्बू से के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहाँ पर प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन का कोरोना से निधन।